एडब्ल्यूपीएल की सबसे दमदार टीम को मेरा नमस्कार। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मैं कभी गलत नहीं बोलता, और मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि एडब्ल्यूपीएल की सबसे दमदार टीम को नमस्कार। ये मेरे लिए आज शुभ घड़ी है और मेरे लिए आज प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका है कि मैं आज इस शानदार और दमदार टीम के बीच में हूं और इनसे बात करने के लिए मुझे चंद मिनटों का टाइम मिला है। क्या बात कर ली जाए दोस्तों। आज आप क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं और ये चीज बताने के बाद आपको अपने आप पे, अपने अपलाइन पे और इस कंपनी पे आपको ये प्राउड फील हो जाएगा कि जो हम हैं वो दुनिया में कोई नहीं है। जानना चाहते हैं? बताऊं हिंदुस्तान में 1996 से तकरीबन सालों से लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना करियर तलाश रहे हैं, लगातार पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले सालों से आप चेक करके देख लेना, किसी माइकल लाल से पूछ लेना, अगर आईजी स्टेडियम बैक टू बैक लगातार 5 संडे इतने सालों के अंदर पहली बार किसी कंपनी ने किए हैं तो उसका नाम AWPL है। और मैं फिर कहता हूं कि हमारा पिछले सालों का रिकॉर्ड नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे, बाकी हिंदुस्तान में किसी माइक के लाल में दम भी नहीं है। अगर आज संडे है, अगला संडे फुल है, और उससे अगला संडे फुल है, और इससे पिछला संडे फुल था, और उससे पहले 8 मई को शुरुआत हुई थी, आज तक कहीं नहीं हुई। आप समझ लीजिए कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी नहीं है, ये एक मंदिर है। किसी कंपनी में जाने के बाद किसी की मनोकामनाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन एक आदमी दिल से, शिद्दत से, ईमानदारी से, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर माथा टेकता है तो ऊपर वाला मजबूर हो जाता है उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये कारण है कि जो लोग सालों से जो उसका अचीवमेंट नहीं ले पाए, वो सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस के अंदर लोगों ने 4-5 साल के अंदर लेके दिखा दिया, और आप लोगों ने उनको सुना भी है। मेरे दोस्त, विश्वास करना, और ऐसी कंपनी, ऐसा प्लेटफॉर्म तुक्के में नहीं मिलता, ये किस्मत से मिलता है। पिछले जन्मों में याद रखना, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये सच है, और मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं कि पिछले जन्म में हम सब लोगों ने, या हमारे मम्मी पापा ने, हमारे घर वालों ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आज AWPL करने का मौका हम सब लोगों को मिला हुआ है। लोग तड़पते हैं दोस्त, लोग तरसते हैं, लोग सालों तक कंपनी बदलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। और AWPL एसलीपीएस वेलनेस आपके सामने और हम सबके सामने वो प्लेटफॉर्म है, जीता जागता उदाहरण है कि जहां कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जब देखो चंद सेकंडों में सब कुछ बदल जाता है। साहब, मैं यहां पे जब बैठा था और मैं देख रहा था, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना प्राउड फील कर रहा था, कितना खुश हो रहा था अंदर ही अंदर। और मेरा एक मैसेज है दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो सिर्फ एक मैसेज के लिए करना, और ये फील लेके जाना यहां पे कि जितने लीडर यहां पे आए थे और वो लोग बोल रहे थे कि हमने ये कमा लिया, ये गाड़ी है, ये कमा लिया, ये गाड़ी है। मुझे याद है अनुज सर, जब दिल्ली के अंदर हम लोगों ने शुरुआत की थी, अनुज सर ऐसे ही चलते फिरते आए थे, फेसबुक से मुलाकात हुई थी, और दुनिया के अंदर हर चीज का पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है और नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हो सकता है टाइम पास का साधन मानते होंगे, लेकिन अगर रियल में सोशल मीडिया और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने और आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया है तो वो गरीबी को बाईपास करने का एक साधन बन चुका है दोस्त। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके चहेते क्राउन डायमंड मिस्टर अनुज शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने शुरुआत किया,
डिसीजन लिया दिल्ली में, ना मेरा कोई जानने वाला था क्योंकि उससे पहले मैंने दिल्ली में कभी काम नहीं किया था, इनके साथ भी इतना कोई जानने वाला नहीं था क्योंकि इन्होंने भी दिल्ली में वैसे काम नहीं किया था। हम लोगों को याद है कि प्लानिंग किया करते थे कि ऐसा क्या होगा, कभी तो वो दिन आएगा कि काम चल जाएगा। और दोस्त मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि जिस आदमी को सफलता ज्वाइन करते ही तुरंत मिल जाती है, वो हो सकता है कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एक बार याद रखना, जिस आदमी को सफलता शुरुआती दौर में जितनी कठिन और जितनी लंबे टाइम में मिलेगी, वो 100% कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचेगा। साहब, अगर आप में से कोई आदमी ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार ताकत लगा रहा है और उसके बाद जहां पहुंचना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो अगर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला चेक कर रहा है कि इस आदमी को मैं दूं या ना दूं। क्योंकि दोस्त एक चीज समझिएगा, ऊपर वाला आपको तब देगा जब पहले चेक करेगा कि मैं इसके साथ 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 की टीम तो मैं इसको दे देता हूं, क्या ये आदमी के अंदर ये कैपेसिटी है, क्या ये आदमी इस लायक है कि उस टीम को संभाल सकता है। और जब वो ऊपर वाला आपकी मेहनत को देख के ये आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ ये आदमी इस टीम को संभालने के लिए लायक है, उसके बाद वो इतने टीम आपकी फास्ट चलाएगा, इतना बिजनेस आपकी स्पीड से चलाएगा कि जिसका आकलन आप कभी सोच नहीं पाओगे। आप सोचिए, इस बात का मैं साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, आपके सामने ईमानदारी से बता रहा हूं कि जब आपके अपलाइन मिस्टर अनु शर्मा जी ने AWPL को ज्वाइन किया था, मुझे याद है 2-3 महीने तक कोई सिंगल चेक भी नहीं था। आज मैं पहली बार स्टेज से बता रहा हूं, 3 महीने से भी ज्यादा टाइम तक सिंगल चेक नहीं था, ये मैं बोल रहा हूं। जब हम लोग बैठते थे और मैंने ये बोला था, ऊपर वाला कुछ तो देना चाहता है और ऊपर वाला कुछ तो चाहता है, इसकी वजह से वो परीक्षा ले रहा है, बस पीछे मत हटना, लगातार लगे रहना, ऊपर वाला आपको ऐसी कामयाबी देगा कि SLBS वेलनेस में नहीं, दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर कोई दूसरी कंपनी वाला भी एग्जाम्पल देगा तो वो हमारे लीडर का देगा। और आज ऐसा होता है दोस्त, इससे बड़ा हमारे लिए प्राउड मोमेंट कोई नहीं हो सकता कि दूसरी कंपनियों के लोग जब अपने लोगों को प्लान दिखाते हैं, दूसरी कंपनियों के लोग अपने लोगों को जब प्रेजेंटेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि लोग हमें बताते हैं कि सर आप लोगों की स्लाइड दिखा दिखा के प्लान देते हैं। और उसका फायदा उन्हें यह होता है कि वो लोग अपने लोगों को हमारी स्लाइड दिखाते हैं और कुछ दिन वो बोलते हैं किराए के लोगों की क्या स्लाइड देखनी, चलो इन्हीं के पास चलते हैं, और वो हमारे पास आ जाते हैं। मेरे दोस्त, यहां पे जब लोग बोल रहे थे, किसी ने बोला इतने कमाए, किसी ने बोला इतने कमाए, सच बताऊं इनमें से मैक्सिमम या ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको मेरे हाथों से मैंने प्लान दिया है। कंपनी के अंदर पहले हमारा जो कंपनी अमराई में था, वहां पे 3rd फ्लोर के ऊपर केबिन में बैठ के, हॉल में बैठ के, कई बार रात को 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, हम लोग प्लान करते थे। सच बताऊं मुझे ऐसा नहीं लगता था कि आज जो हम प्लान दे रहे हैं ये इस उम्मीद से भी ज्यादा यहां तक जाएगा। लेकिन जब यहां पे मैं देख रहा था कि लोगों ने बोला मैंने मर्सिडीज ली, जैगुआर ली, ओडी ली, आप मुझे वो दिन याद आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जो मेहनत की ना उसका फल आज मिल रहा है। दोस्त, आप अगर काम करना है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, देखिए फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ आए हुए लोग काम करते हैं कि नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा क्या आपको अपने आप ऊपर विश्वास है कि नहीं है। क्या आपका विश्वास अगर अपना है तो दुनिया में कोई आदमी आपके विश्वास को डगमगा नहीं पाएगा। आपको अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, अपने अपलाइन पे यकीन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इधर से उधर नहीं कर पाएगी। और लेकिन अगर आपको अपने ऊपर, अपनी कंपनी पे और अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं होगा, तो मेरी बात लिख के ले जाना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब भी नहीं बना पाएगी। इस पल के लिए आज के बाद काम करना, इस पल के लिए काम करना। यहाँ पे संजय जी, मनोज जी, वीर बहादुर जी आए थे, विनोद जी थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब ये पहली बार मैंने इनको प्लान दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा, हमारी कंपनी में आए और कंपनी में आने के बाद लाइट चली गई, याद आपको?
लाइट चलेगी, 15-20 लोग थे इनके, और जब लाइट चलेगी पूरी कंपनी में एक घंटे अंधेरे में हम लोग बैठे, लाइट नहीं आई, नीचे उतरे। और मैंने संजय जी और मनोज जी को बोला था, मैंने कहा कुछ बड़ा होगा। उसके बाद हम अमराई वगैरह में ढूंढने लग गए तो एक ओयो के ऊपर होटल के अंदर एक छोटा सा रूम मिला। हमने 6 घंटे के लिए ओयो का रूम किराए पे लिया, शायद 10-12 लोग थे उसमें, 10-12 लोगों के सामने 6 घंटे तक हमने उसमें बोर्ड मारकर तो कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे ही अपने लैपटॉप पे पेन पर पेन से 6 घंटे लगातार प्लान करने के बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने कहा यार जब ऊपर वाला देता है ना तो मुसीबतें बड़ी देता है, कुछ बड़ा होगा। आज जब ये लोग यहाँ पे बोल रहे थे जैगवार ली, मर्सिडीज ली, मेरे गांव की सबसे महंगी कार है, मेरे शहर की सबसे महंगी कार है, तो मुझे याद आ रहा था कि हमने उस दिन सोचा था कुछ बड़ा होगा, आज बड़ा हो गया। और आज आपको फिर बोल रहा हूं, ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, बाद में बजा रहा हूं। मैं यहां से यहां तक देख रहा था, टिकट आप लोगों ने एंट्री करने के लिए की बजाय आप लोगों का पसीना सुखाने के लिए आप काम ले रहे हो। आपको गर्मी, जब नीचे भीड़ कम है उसके बाद इतनी गर्मी है, मैं समझ सकता हूं कि ऊपर बैठे वाले लोग कितनी गर्मी में परेशान होंगे, लेकिन यार मैं दोनों हाथों से सलूट करूं तो आपको मैं थैंक यू नहीं बोल सकता, आपका एहसान मैं नहीं उतार पाऊंगा कि इतनी गर्मी होने के बाद भी अब तक आप ऐसे कैसे बैठे हो। यहां पे रेलिंग पे इतने सारे लोग बैठे थे कि रेलिंग पे इतने सारे लोग बैठे, लोगों को चेयर नहीं है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, उसके बाद भी पिछले 6 घंटे से आप अपनी जगह को तलाश के अब भी हॉल में हो। मैं आज दावे से कहता हूं अब कुछ बड़ा होगा, जो आज तक नहीं हुआ है AWPL में वो आज के बाद होगा, और वो कोई और नहीं करेगा, इस हॉल में बैठी हुई टीम करके दिखाएगी। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं दोस्त? एक करना सोचना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हरेंद्र जी ज्वाइन करने नहीं आए थे, हरेंद्र जी साबित करने आए थे कि हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जब आदमी सच बोलता है, क्योंकि AWPL कंपनी नहीं मंदिर है, और मंदिर से कभी झूठी चीजें नहीं आती है, और इस मंदिर की शरण में अगर कोई आदमी आता है तो वो इस मंदिर का पुजारी बन के ही रह जाता है, वो जिंदगी भर यहीं का रह जाता है। दोस्त आज बड़ा अच्छा लगता है जब हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर हम लोग जाते हैं और लोग ये पूछते हैं कि यार बाकी तो सारी कंपनियां हैं लेकिन AWPL वाले करते क्या है, आप सच मानिए यार, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था, आपको सक्सेस मिलना मेरे से फास्ट, ये मैं गारंटी देता हूं। मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था उससे पहले भी मैं यही काम करता था, अगर मुझ में टैलेंट होता, मैं मेहनत कर रहा होता, मैं कुछ भी होता, तो यकीन मानना पहले से जैगवार में होता, लेकिन नहीं था। मैं था, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास हिंदुस्तान का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे पास आज कहते हुए हम प्राउड फील करते हैं दोस्त, पिछले जन्मों के कर्म होंगे हमारे कि लोगों को कोई मिलता होगा, लेकिन हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए SRBS वेलनेस के CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर का आशीर्वाद हर पल हम पे बरसता है, इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। लोग काम करते होंगे अपने पैसों के लिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर सर मिस्टर मानचंद सर का आशीर्वाद हम पे इतना रहता है कि जैसे ही हमारी क्लोजिंग होती है अगले 2 घंटे में पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? मेरे दोस्त इससे ज्यादा क्या चाहिए, एक विजन, इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं। आप 2014 से लेकर आज तक की हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर की स्पीच सुनना, आज तक जब कंपनी के अंदर 20 लोग थे तब भी उन्होंने जो बात बोली थी वो सच साबित हुई,
उसके बाद 15 में बोली वो भी सच हुई, 20 में बोली वो भी सच हुई, 21 में बोली वो भी सच हुई, और मुझे नहीं पता कि अगली स्टेज पे आके क्या बोलते हैं क्योंकि पिछले शो में मैं नहीं था, लेकिन ये कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी बोलेंगे और बाद में बोलेंगे वो भी 100% सच हो गया। मेरी जिंदगी में इतने सारे परिवर्तन इसलिए आए क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के संपर्क में आ गया जिनका मुझे वो आशीर्वाद मिला। मैं तो यही कहूंगा कि सर धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्या से क्या बना दिया अपनी शरण में लेके, जो मुझे बना दिया बस इन सबको भी ऐसे ही आप बना दो, ये सारे लोग बनने के लिए तैयार हैं। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है, याद रखना। जब आदमी कामयाब हो जाता है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहां खड़े होकर लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए यार पहले दिन हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास सेवरलेट की क्रूज हुआ करती थी और बहुत ज्यादा तेल खाया करती थी। अनुज सर के पास एसेंट हुआ करती थी, उसका एवरेज बहुत अच्छा था। हम जब प्लान देने जाया करते थे तो मेरी गाड़ी के बजाय इनकी गाड़ी ले जाया करते थे, इसलिए कि एवरेज ज्यादा थे। और जब किसी शहर में जाते थे, अनुज सर आपको याद है कि नहीं याद है, जब किसी शहर में जाते थे और 4-5 घंटे हमें रुकना होता था तो असेंट की सीट सीधी करके और उसके अंदर हम साइड में शीशे खोल के और 5-6 घंटे आराम से वहीं गुजार लिया करते थे। पहले दिन से 5-स्टार होटल नहीं था, पहले दिन से थी तो एक चीज थी मेहनत, पहले दिन से थी तो एक चीज था समर्पण, पहले दिन से थी तो एक चीज थी और ये विश्वास कूट कूट के भरा हुआ था कि कोई और बने या ना बने, लेकिन असली बेस वेलनेस में मैं जब दिल से काम करूंगा तो मैं बनूंगा, बनूंगा और बनूंगा। और उसका फायदा यह हुआ कि आज हमारे साथ में अकेले जहां पे आए करते थे लग्जरी गाड़ी का नाम भी नहीं जानते थे, आज AWPL के अंदर हमारे साथ में 150 से ज्यादा लोग लग्जरी गाड़ी का आनंद ले रहे हैं सर। इससे बड़ा अचीवमेंट हम लोग कुछ नहीं बता सकते, बस विश्वास करके जाना। कहेंगे लोग कि साहब भीड़ बुलाते हैं, मोटिवेट करते हैं, फेंकते हैं, लेकिन जब आदमी नहीं हो और कोई सुनने वाला नहीं हो तो फेंकोगे किसके सामने? अगर मैं फेंक रहा हूं और आपको लगता है कि यहां पे लोग फेंक रहे हैं तो यार लोग पागल थोड़े हैं जो खड़े होकर सुन रहे हैं। लोग कोई इस दुनिया में पागल नहीं है जो खड़े होकर सुन रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारी जिंदगी बदलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगी 100% बदलेगी क्योंकि हमारे जैसा प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान में, यहां पे लोगों ने बोला कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं एक लाइन में बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में भी असली बेस वेलनेस जैसा दमदार प्रोडक्ट आज नहीं है। समस्याएं मैंने भी झेली है, हमने भी झेली है। वो पल याद है मुझे जब मैंने असली बेस वेलनेस ज्वाइन की थी और हमारे साथ ज्वाइन किए हुए लोगों को लोगों ने इस कदर भड़काया, आपके साथ शायद ये नहीं हुआ होगा, इस कदर भड़काया कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने के बाद भी लोग इतने डर गए कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद तो आदमी मर जाएगा, और मरने के डर से 12-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट लोग नदियों में फेंक के आ गए। ये रियल कहानी बता रहा हूं मैं। जब जैगवार ली थी मुझे लोगों को समझाना पड़ता था कि जैगवार मेरी है, मुझे यह समझाना पड़ता था कि फोटो शोरूम की नहीं है, मेरी अपनी है। आज फायदा यह है कि हमारे यहां जब ओडी BMW मर्सिडीज कोई लेता है तो उसको समझाना नहीं पड़ता कि गाड़ी मेरी है, क्योंकि दुनिया यह स्वीकार कर चुकी है कि किसी और कंपनी में कहीं और आए या ना आए AWPL वालों के पास आती है। जब हमारे 5,000 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 22 लाख, 36 लाख के चेक आते थे, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे बड़ी इज्जत के साथ कमेंट करते थे नकली है। और खुशी की बात यह है कि जितने लोग कहते थे नकली है उनमें से बहुत सारे लोग तो यहां पे बैठे भी होंगे। हम तो अभी भी बोल रहे हैं भैया बाहर वालों आप भी लिखो नकली है, क्योंकि जब जब नकली लिखोगे तब तब आप खुद यहां असली लेने आओगे। मैंने नहीं सोचा कि भैया हमारा काम क्या है, हमारा काम ये नहीं कि लोग क्या बोलते हैं,
लोग असली बोलते हैं कि नकली बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, लगातार लोगों के पास जाएंगे, लगातार प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लगातार लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी के साथ चिटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं देंगे। किसी को अगर प्रोडक्ट दिया है तो दिन रात एक करके उससे फीडबैक लेंगे कि साहब रिजल्ट कैसा आ रहा, बस ये ध्यान रखना आप गलती मत करना। हम लोग अगर कोई आदमी की किसी की टीम में रिजल्ट कम आता है तो वजह यह है कि हम लोग प्रोडक्ट देने के लिए तो अथाह मेहनत करते हैं, लेकिन जब आदमी प्रोडक्ट ले लेता है उसके बाद में उससे फीडबैक नहीं लेते कि टेस्ट कैसा आ रहा है, उससे फीडबैक नहीं लेते कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे फीडबैक नहीं लेते कि कुछ आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे दोस्त इतना करना, जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे फीडबैक लेते रहना, जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे बातचीत करते रहना। ये प्रोडक्ट की ताकत है, ये हमारे प्लान की ताकत है कि आने वाले टाइम में, अभी तक आपने सुना होगा कि खानदान का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन एसलीबीएस वेलनेस ये साबित करती है कि खानदान का इतिहास लिखा जाएगा। आज अब अभी आसान हो चुका है हम सब लोगों के लिए, इस बिजनेस को करना बहुत आसान है, क्योंकि जब हमने शिव कुमार सर ने, अनु सर ने और आपके जितने भी ब्लैक डायमंड है इन लोगों ने जब ज्वाइन किया था, कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे। उस टाइम कंपनी में इस तरह से लगातार लग्जरी गाड़ियों की लाइन नहीं होती थी। आज अगर कोई बाहर का आदमी हमारे होल के बाहर आता है तो आंख ऐसे कर करके देखता है, इतनी लग्जरी गाड़ी है कि क्या है, उसको आंखों पे नहीं होता कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। और जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, साहब इस होल से जाने के बाद अब तक जो आप काम कर रहे थे उससे 10 गुना ताकत से काम करना, क्योंकि ये लोग जो अभी तक खड़े हैं पसीने के अंदर, ये बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं सब, ये हमसे बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। तो कोई आदमी आप में से सिलीगुड़ी से आया होगा, कोई गुवाहाटी से आया होगा, कोई एक दिन की ट्रेन करके आया होगा, कोई पूरी रात बस में धक्के खा के आया होगा, वो लोग इस बात से लेके आए हैं कि हाँ हमारी भी जिंदगी बदलेगी, हमारी जिंदगी के अंदर भी अच्छे दिन आएंगे। और ये सच है कि स्टेज से कोई बोलता है अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, उनके आते हैं कि नहीं आते हमें नहीं मालूम, लेकिन असली बेस वेलनेस वालों के अच्छे दिन आते हैं। और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि आज हम इतनी मेहनत करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर होल छोटे पड़ गए। शुरू में जब शुरुआत करती थी हम लोगों को ये बताते थे कि साहब लोग लाओ, कम पड़ गए। रात को हमारे एमडी साहब यहां खड़े होके और लोगों से बोल रहे हैं लोग रोको। मैंने कहा सर क्या हुआ, बोला ज्यादा हो गए। ऐसा कभी हुआ है आज तक? लोग तरसते हैं कि ये चेयर भर जाएं, लेकिन असली पेस वेलनेस वाले तरसते हैं कि कैसे जैसे करके हमें एंट्री मिल जाए और हम भी हॉल के अंदर चले जाएं। आज ये माहौल है, ये माहौल है, और हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि हमारी बल्ले बल्ले है, बाकी सब तो थल्ले थल्ले। तो क्या पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं? दोस्त आपके अपलाइन बहुत दमदार है, आपके डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये सारे हीरे हैं परखे हुए। और मैं ये कह सकता हूं कि आप जितने भी लोग आए हैं इनका हाथ पकड़ लेना और इनके प्रति समर्पित हो जाना, जैसा ये बोलते हैं वैसा कर जाना। मेहनत कुछ नहीं होती है, मेहनत लोग नौकरी में भी करते हैं, मेहनत लोग शोरूम में भी करते हैं, मेहनत लोग बिजनेस में भी करते हैं, लेकिन उस मेहनत से खानदान के अंदर कुछ परिवर्तन आए या ना आए, एक बार 3-4 साल मेहनत करके देखना। रामगोपाल जी 62 साल की उम्र में भी डांस कर रहे थे, देखा था आपने? और इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे थंडर ब्लास्ट में कितना रिजल्ट है। 62 साल की उम्र में बच्चों को पापा के हाथ लगाना पड़ता है, पापा उठो खाना खाओ,
और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर सबको 2 मिनट है, मुझे कम से कम 5 मिनट दो क्योंकि मेरे खून के अंदर थंडर ब्लास्ट का जोश है। ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है सर, आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग टेस्टेड हैं आपके सामने कि लोग ये बोले कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन चीजों को हम झेल चुके हैं। आपसे ज्यादा हमें बोला करते थे कि लोग मर जाएंगे, हमने बोला साहब मरे तो नहीं, लेकिन जिनको ऊपर वाले ने बुलाया था उसने भी कुछ दिन छुट्टी बढ़ा दी कि कुछ दिन के बाद आना, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या सारे लोग यहां से जाने के बाद, हम सब लोग, अब तक आपका विजन क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक विजन समझ लीजिएगा कि अब जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि अब महाकुंभ हो चुका है। और जब महाकुंभ होता है तो उसका रिजल्ट महाकुंभ की तरह ही आता है। आप देखिए, मैं अनुज शर्मा जी, शिव कुमार सर और आपके भी जितने लोग हैं बिना महाकुंभ के यहां तक पहुंच गए, तो अब महाकुंभ से हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ हम अपना फ्यूचर समझ लेना, अपना करियर समझ लेना, अपना भविष्य देख लेना कि आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, मैंने जो जो लाइफ में सोचा था एक एक चीज, एक एक चीज आज असली पे स्मेलनेस ने मुझे दी है। मैं तो ये बोलूं कि इस जन्म के नहीं, अगले कई जन्मों का माल हमने अंदर ले लिया है। आप बताने की जरूरत नहीं है कितने पैसे कमाए यार, आज मैं बताऊंगा भी नहीं। आज मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी ली, आज मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि महीने में कितना कमाता हूं, क्योंकि अब उस चीज से बाहर आ गए, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में इतने लोग हैं कि जब वो लोग बताते हैं तो सुनने वालों के पसीने छूट जाते हैं। जाओ, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आज फर्क ये है, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि असली पे स्वेलनेस ने और हमारे डायरेक्टर सर मामचंद सर और संजीव सर के आशीर्वाद से इस लायक मैं बन चुका हूं और हमारे लीडर बन चुके हैं कि जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो मन में आती है वो अपना ड्रीम पूरा कर लेते हैं। और आप आज इस हॉल में जाने से पहले एक ही चीज लेके जाना कि आज मैंने उन लोगों को देखा है जो लोग हमारे जैसे थे, उन लोगों को सुना है जो हमारी तरह इस बिजनेस में आए थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। उन्होंने आज अपने सपनों को पूरा किया है और आज वो जो चाहते हैं वो एक एक सपना पूरा कर रहे हैं। और ऊपर वाले से एक ताकत मांगना कि ये भगवान मुझे इतनी ताकत देना कि मैं दिन रात मेहनत कर सकूं, और आज जो मैंने सुना है ये बात मैं सरेआम मन से पूरी दुनिया को सुना सकूं, यह आशीर्वाद ऊपर वाले से मांग के जाना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे। अभी तो हम हिंदुस्तान में हैं, दुनिया के कोने कोने में भी राज करेंगे, याद रखना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।